हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड यात्रा। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी। इसके लिए मैंने दो आलू, एक फूलगोभी, एक शिमला मिर्च और एक गाजर को धोकर अच्छे से काट लिया है और उसे हम कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने सब्जियों को उबाल रखा है और एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं पहले से ही थोड़ा रिफाइन डाल रखी हूँ। उसमें थोड़ा बटर डालते हैं और फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, हाफ कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और साथ ही में 1 टमाटर ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए डाल लेते हैं इसमें 1 कटा हुआ टमाटर और इसे ढककर हम 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर और साथ ही 1 चटनी जो मैंने पहले से बना रखा है। टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन उबाल कर हमने पीस लिया है। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार जितना भी तीखा खाते हो उस तरह से आप डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही में सब्जियों के साथ मैंने 1 चम्मच चना दाल भिगो कर उबाल लिया था, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। इस मेथड से आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल ही अलग और बहुत ही स्मूथ टेस्ट आता है इससे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे सब्जियों का स्टॉक अच्छे से मिक्स करते हुए, फिर से डालेंगे पाव भाजी मसाला, थोड़ा कटा हुआ धनिया और बटर डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए चलिए देखिए रेडी हो गया पाव के लिए। एक हमने तवा लिया, उस पर पाव को अच्छी तरह से सेक लेंगे और तैयार है पाव भाजी। तो चलिए रेडी हो जाइए खाने के लिए।